गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइयो, आप सब अच्छे होंगे, अच्छे ही होना चाहिए। आज हम जा रहे हैं, सुबह सुबह राइड है और राइड होने वाली है हमारी यहाँ से तिगरा डैम और नलकेश्वर, और देखते हैं पगरा डैम तक का प्लान है और देखते हैं पहुँचते हैं वहाँ तक के नहीं, या नलकेश्वर से लौटेंगे। चलते हैं। ये तीन गाड़ी, अभी दो आगे जा रही है और कुछ पीछे आ रहे हैं, और आगे आगे और दोस्त मिलेंगे। और जी हमारे भैया जा रहे हैं, ये अपनी अपाची ले पल्सर लेके, और ये दो जा ही रहे हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन घर से निकले हैं और अभी अपन आगे निकलते हैं। आज का मौसम भी ग्वालियर का बहुत ही अच्छा है, थोड़ा थोड़ा मानसून है और बारिश तो हो ही रही है, वो तो सभी को पता है। चलो अब आगे मिलते हैं। अभी घर से निकलने के बाद अपन पहुंच चुके हैं गदईपुरा वाले पुल पे, और अपने साथ ही निकल चुके हैं आगे। थोड़ा अपन को काम था इसलिए अपन थोड़ा वेट कर रहे थे, और वो लोग निकल गए हैं तो अपन भी निकल चुके हैं। और आपको ये सब मौसम बहुत ही अच्छा है तो राइड करने में दिक्कत नहीं आएगी, ना गर्मी लगे, चाहे इतने दूर तक चाहे जल्दी चले जाएंगे। वो सामने दिख रहा होगा आपको किला ग्वालियर का, पूरा सामान। चलो चलते हैं। फाइनली अपन अपनी मेन रोड पे आ चुके हैं, और यहाँ पर ये शायद नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। ओह माय गॉड, ये खड़े हैं सारे अपने दोस्त, ये अपने बॉडी बिल्डर भाई खड़े हैं हमारे। इनको सिगरेट लग रही है, ये देखो कितनी सुंदरता से सिगरेट पी रहे हैं, ये देखो सिगरेट पीने में मस्त है। ये देखो हमारे फौजी भैया सिगरेट इस तरह पी रहे हैं बड़े शौक से, और यहाँ पर ये टीममेट खुद के लड़ चुके हैं, ये टेक्नो फायर के सारे लोग हैं, ये लोग वो देखो भैया लड़ गए हैं यहाँ पर। फोटो तो वाह गाइस, अभी जा रहे हैं हम फ्यूल अप कराने अपनी बाइक में, और बाइक में फ्यूल कम तो फ्यूल कराते हैं, फिर अभी देखते हैं। जितनी ही तुम्हारी इच्छा हो, ये अभी गाड़ी है फिल अप करा रही है, और अभी अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी है, अभी देखते हैं अपनी गाड़ी में हो रहा है फिल अप। फिल अप करा लिया अपन ने, और अभी अपन निकलते हैं यहाँ से। फिल अप होने के बाद अभी अपन निकल चुके हैं, और बाकी सब अपने पीछे रह गए हैं दोस्त, राइडर नहीं है उनमें एक भी, बस दोस्त है सारे। आज संडे है, यहाँ कुछ काम चल रहा है शायद कंट्रेस्टर का। अभी बाकी लोग आ रहे हैं, और अभी आपसे आगे मिलते हैं जब तक वीडियो में बने रहें। अभी अपन जा रहे हैं अटल गेट, अटल गेट से जाएंगे अपन तिगरा के लिए, और ये वाला रास्ता नहीं लिया अपन ने आज क्योंकि अपने आधे दोस्त आगे निकल चुके थे, तो अपन ने यही वाला रूट ले लिया है। देखते हैं ये वाला रूट कैसा क्या है, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, शायद आप लोग गए होंगे। चलो आपसे आगे फिर मिलते हैं, अभी अटल गेट पहुँच कर। ये ब्रेकर भाई साहब बहुत ही गंदे बने।
पर ये बच्चे निकल गए जो पीछे वीडियो बना रहे हैं अपनी मोबाइल से मौसम की। यहाँ पर जो सारे अपने दोस्त खड़े हुए हैं और एक और का इंतजार हो रहा है। अभी ये अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर और ये भैया खड़े हैं वो अपना टल गेट पर आ चुके हैं इधर से। ये अपने बहस होने के बाद अपन निकल चुके हैं सारे दोस्त। ये अपने सारी गाड़ी जा रही है लाइनअप से। अभी अपन चलते हैं इनसे आगे क्योंकि अपन ना इनसे पीछे चलेंगे तो ये गंदे कर देंगे अपन को। चलो चलते हैं अब। थोड़ी सी अपनी गाड़ी खींच दी अपन ने क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं भाई अपन। और जहाँ पर ये पुलिस वाले खड़े हुए हैं जो ट्रक वालों को रोके हुए और ये लोग शायद भैया लोग जा रहे हैं जो पार्टी के विचार से हैं भाई ये लोग पूरे क्योंकि इनके पास लकड़ियाँ और पूरा ही सामान ये लोग कैरी करके रखी है। चलो अभी अपन अपने दोस्तों का वेट करते हैं यहाँ पर फिर से क्योंकि वो लोग तो पीछे रह गए। ये सामने ये ताल बना है और ये नहीं पता कौन सा ताल है। ये देखो ये रहा ताल। और ये जा रहे हैं अपन। ये अपना दोस्त बैठा है पीछे अपना मित्र। सामने दिख रही होगी शायद आपको पहाड़ियाँ। बरसात के मौसम में पहाड़ों में घूमने का कुछ अलग ही मज़ा है ये बात हकीकत है। चलो अपन पीछे पीछे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये रास्ता भूल रहे हैं। कोई कहीं चला जाता कहीं कोई कहीं चला जा रहा है इसलिए अपन इनको पीछे पीछे चल के बताएंगे। चलो आगे मिलते हैं। चालू है भैया चालू है। हाँ भैया जी जा रहे हैं अपने ये अपने सब्सक्राइबर हैं और ये अभी अपन को मिल चुके हैं यहाँ पर। अभी अपन जा रहे हैं तिगरा डैम। तिगरा डैम से जाएंगे अपन नलकेश्वर। नहीं जाएंगे चलो ठीक। हाँ अच्छा चलो ठीक है जो जब भी। अपन अपनी गाड़ी खींच रहे हैं क्योंकि ये लोग बहुत ही काफ़ी लेट कर देंगे। और ये अपन ने गाड़ी खींच दिया अपन इनसे आगे चलेंगे क्योंकि अपन इनको लीड करेंगे। इन्होंने तो बहुत ही लंबा ज़्यादा फिर करवा दिया यार तो कुछ नहीं कह सकते। चलो चलते हैं समय में घूमना मस्ती तो लगी रहती है। जब तक गिरेंगे नहीं जब तक उठेंगे नहीं। बरसात के मौसम में एक चीज़ तो है कि चारों तरफ देखे देखे जाए तो हरियाली हरियाली है चारों तरफ। ये देखो ये कितने अच्छे सुंदर पेड़ लग रहे हैं चारों तरफ हरा भरा सब कुछ अच्छा। ठंडा ठंडा मौसम है किसी बात की दिक्कत नहीं है। गर्मी भी नहीं है। और वहाँ पर गायें चल रही हैं अपनी वो वहाँ पर सामने वो रही वहाँ। और ये ट्रैक्टर वाले भैया यहाँ पर खा खा के केला फेंक रहे हैं यार क्या है यार ये लोगों को ये नहीं पता रोड पे फेंक रहे हैं ट्रॉली में एक साइड रख। इंसान है ये जानवर से भी गंदा है। यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर अपने यहाँ स्टेडियम जो नया बनना है वो इस रोड पर और यहाँ पर बना हुआ है। ये उसकी एंट्री है गेट की और काफ़ी बड़ा बना हुआ है। अभी दिखाता हूँ आपको ये देखिए काम चल रहा है इसमें और ये स्टेडियम है।
अब ये तो कुछ नहीं कह सकते भाई, ये स्टेडियम बना हुआ अपना जो न्यू बनना है। और इधर ये वादियाँ, और जहाँ पर रोडों पर पानी, शायद यहाँ पर ज़्यादा पानी पड़ चुका है बारिश, क्योंकि यहाँ पर जी ब्लॉग बना रहे हैं। देख रहे हैं गाइस कितना बड़ा पहाड़ है, और पहाड़ के ऊपर पूरे में हरियाली हरियाली है। बरसाती मौसम में कुछ अच्छा ही मौसम है। अभी अपन जहाँ पर गांव में पहुँचने वाले हैं, अभी तेगरा से थोड़ा ही पहले जो गांव पड़ता है वहाँ पहुँच चुके हैं अपन। चलो आगे अभी आपको और दिखाता हूँ। और अपन आ चुके हैं यहीं पास में तेगरा से, जो पहले गांव एक और पड़ता है वहाँ पर, तो कुछ ही देर में अपन तेगरा क्रॉस कर जाएंगे। सामने वो गाड़ी वाला आ तो रहा है तेज। चलो ठीक है, यहाँ पर फिर मिल चुकी हैं अपन को भैंसे रोड पर, बहुत सारी भैंस चल रही है। ओ मैया यमराज है भाई, यहाँ पर अपन तिगरा पे आ चुके हैं, वो पूरा सामने तिगरा में पानी पानी। शायद आपको वीडियो में दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, वहाँ सामने पूरा तिगरा में पानी पानी, पूरे में पानी पानी है ना। अब तिगरा पहुँच चुके हैं, अभी थोड़ी सी और दूरी तय करनी पड़ेगी, अभी हमें लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी और तय करनी पड़ेगी बस। एकदम गो, और फाइनली अपन लगभग पहुंच चुके हैं तिगरा। ये तिगरा से जो पहले जो थाना पड़ता है वो है, और अपन कोई दिक्कत नहीं है, तिगरा तो पहुंच चुके अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको और दिखाता हूँ, ये सामने जो दिख रहा है आपको वो तिगरा का गेट है। ए? ये वाली यहाँ पर ये लोग पर्ची काटते हैं अपनी। फाइनली तिगरा डैम में पानी तो भाई कम है यार, पानी इतना ज़्यादा नहीं है पानी। ये देखो तिगरा डैम दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये आपको दिख रहा होगा तिगरा डैम में वैसे तो पानी कम है भाई, ज़्यादा पानी नहीं है इस समय, तो बारिश अभी इतनी हुई नहीं है इसलिए पानी कमी है भाई। अब अपन निकल चुके हैं नलकेश्वर। चलो संग चला करो भाई लोग, तुम लोग पीछे भी जा रहे हो, वादियों का ये वादियाँ हैं। सौ रुपया पगारा डैम थोड़ी जा रहे हैं अभी अपन, अभी अपन नलकेश्वर वहाँ चल रहे हैं भाई, सीपरी चल रहे हैं अभी अपन। ये वो तिगरा डैम का वो फाटेगा वहाँ पर जिनमें काम चल रहा था अभी,
कुछ समय पहले वो आए थे बाहर से वेल्डिंग करने, रिपेयर किया था। यहाँ बाबा जा रहे हैं, बाबा राधे राधे। और नलकेश्वर तिगराता हम घूम लिया, अब नलकेश्वर जाने की तैयारी में, और अभी हम पहुंचने वाले हैं। निकल तो आए हैं, रूढ़ देख तो रहे हैं। ओ मैया थोड़ी गिजाई गिजाई। यहाँ पर हमारे फोटो भैया लगे हैं आगे से, ये फोटो शूट के लिए। और जी हसीन हसीन पहाड़ है, और वहाँ पर सामने शायद मंदिर है। और अपन थोड़ी सी गाड़ी खींचेंगे क्योंकि ये लोग पहाड़ है। और जी हरा भरा जंगल देख रहे हो, ये सौरभ भैया अपने जाते हुए यहाँ पर। ये चढ़ाई आती हुई साजे, यहाँ पर रोड का काम चल रहा है। अच्छी बात है, रोड बना दे। रोड ही बन रही है, मगर अभी कुछ काम रुका हुआ है। चलो अपन तो अपनी वीडियो में मस्त रहते, क्या करना। यहाँ पर शायद कुछ हो गया है, टीममेट खड़े हुए हैं यहाँ पर, देखते हैं अभी क्या चल रहा है। हाँ भैया बताएं, आप बोले आप क्या कुछ कहना चाह रहे हो क्या? अच्छा और बताएं, तो आपको वहाँ पर जाके जाने से पहले कैसा फील हो रहा है? अपन को पगरा डैम जाने से पहले कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ जी अच्छा। और बताएं। हाँ ग्रुप है जी। ये सामने देख सकते हो गाइस, पगारा डैम। और जो पगारा डैम पे हम पहुंचने वाले हैं कुछ ही समय में, सौरभ भैया निकलते हुए हाथ तो दे रहे हैं, लीड कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। मैं भी सजेशन करूँगा कि आए और घूमें बरसात के मौसम में, बहुत ही अच्छी जगह है। रोड भी अच्छा है और लोकेशन भी अच्छी है। आप लोग देख ही रहे होगे वैसे तो, आप लोग के लोकेशन कितनी अच्छी है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। सब नीचे जाने की आ रहा है, फिर पानी के मौसम में फिर ऐसी जगह हो तो नीचे कहाँ से जाएं, वहाँ तक कैसे पहुँचे? क्योंकि वहाँ पहुँच पर ही मजा आएगा गाइस, पहुँच कर ही मजा आएगा। आप लोगों को पास से दिखाता हूँ। आप लोग देख ही रहे होंगे, ओ जी पुराने जो खरंजा बोले जाते थे ना, वो हैं जी जो पगारा डैम की ओर ले जा रहे हैं अपने को। देखते हैं जाने के लिए रास्ता कहाँ से है।
और नलके इधर वाला याद आ रहा है, यहाँ पर ये दद्दू निकालेंगे पहले। ये अपन गाड़ी निकाल रहे हैं पानी में से, ये निकल गई। यहाँ पर बहुत ही भयंकर रोड है, ऑफ रोडिंग बहुत तगड़ी है गाइस। यहाँ पर दिल खुश हो गया आज। यहाँ पर आ चुके हैं पगरा डैम, जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, देखिए। अब हम इधर ऑफ रोडिंग करेंगे और जहाँ से नलकेश्वर पहुँचेंगे, ये ऑफ रोडिंग वाली रोड है, देखते हैं। और रास्ते में थोड़ा सा पानी का बहाव है, पानी दिख नहीं रहा मगर बह रहा है। चलो अभी आपको आगे चल के और दिखाता हूँ। यहाँ अपनी जी एंट्री हो रही है, यहाँ पर देखते हैं बाइक किस साइड लगाएं। आप पहले बाइक लगाएं अपनी, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ। ये बंदर मिल चुके अपन को, ये देखो, ये जहाँ पर ये झरना बहता हुआ दिख रहा होगा गाइस आपको, देख रहे हो पानी? हमको ना दिख रहा भैया, आपको नहीं दिख रहा गाइस, देख सकते हो आप लोग, ये झरना बह रहा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी जगह है। अभी आपको नीचे चल के बताते हैं, जहाँ से अपन नीचे की ओर जा रहे हैं, देखो ये रास्ता है, आराम से चलना चाहिए। जहाँ अभी ऊपर से नीचे के लिए और आने के लिए ये रास्ता देख रहे हो आप, ये कैसी जगह है। अभी आपको चल के और नीचे दिखाता हूँ, ये देखो हमारे यहाँ लोग आओ ना गंदगी कर रखी है भाई, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। फाइनली अपन जहाँ पर पहुँच चुके हैं, और ये देखो बोला तेरी, तो यहाँ से पानी, और ये दिखाऊंगा अभी आपको। यहाँ पर बहुत ही पब्लिक ना रही है और अच्छा लग रहा है झरना देखते हुए, ये देखो गाइस झरना, ये देखो गाइस ऐसी ऐसी रोड, रोड तो सर नहीं कहूँ, सॉरी जगह है जहाँ से मैं जा रहा हूँ, और जहाँ से नीचे उतरते रहा हूँ, देखो गाइस ये देखो गाइस जी कितना पानी हुआ था।